बिसम राय अलक्कुम वेलकम टू ला एजुकेटम दिस इज़ बायोलॉजी नाइन चैप्टर नंबर थ्री बायोडाइवर्सिटी क्वेश्चन नंबर वन व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द नेचुरल इकोसिस्टम सिस्टम इज़ द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एन इको किसी भी इको में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज़म्स की वराइटीज़ हैं उन्हें हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं It is richness and variety of living organisms on earth. Biodiversity is important for, number one, maintenance of soil quality. Microorganism and animal recycle important nutrients like nitrogen, carbon, phosphorus between living and non-living things. Zameen mein wale, soil mein wale microorganisms or say animals important nutrients jatse ki nitrogen, carbon or phosphorus ko, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान रीसाइकल करते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि हम डायरेक्टली तौर पर नाइट्रोजन एयर से नहीं ले सकते ज़मीन पे पाए मट्टी में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसे कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में जिसकी वजह से उस फॉर्म में पौधे उन्हें हासिल करते हैं और पौधों से वो फिर जानवरों तक पहुंचती है नाइट्रोजन साइकिल कार्बन साइकिल एग्जांपल्स हैं कि किस तरह से सॉयल की क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है बाय यूजिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेंटेनेंस ऑफ एयर क्वालिटी प्लांट प्योरीफाई एयर एंड मेंटेन कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पौधे ना सिर्फ एयर को साफ रखते हैं बल्कि एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन को मेंटेन रखने में भी एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं मेंटेनेंस ऑफ वाटर क्वालिटी वेटलैंड लैंड एकोसिस्टम एब्जॉर्ब एंड रीसाइकिल इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, ट्रीट सीवेज एंड क्लीन वेस्ट वेटलैंड लैंड इकोसिसटम जो है वो ना सिर्फ एब्जॉर्ब करते हैं बल्कि इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल भी करते हैं इसके अलावा गंदे पानी का सीवेज वाटर जो है उसकी ट्रीटमेंट करते हैं और उसमें से जितने वेस्ट हैं उन्हें क्लीन करने में हेल्प करते हैं पेस्ट कंट्रोल नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ पेस्ट आर कंट्रोल्ड बाई लिविंग ऑर्गेनिजम फॉर एग्जाम्पल पेस्ट बेसिकली कहा जाता है फसलों के कीड़ों को जो कि फ़सलों को नुकसान पहुंचाते हैं 99% ऑफ पेस्ट जो है उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके जैसे कि इंसेक्ट्स बर्ड्स और फंजाए जो हैं वो इन पेस्ट को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं पोलिनेशन एंड क्रॉप प्रोडक्शन एनिमल्स लाइक बीज बटरफ्लाइज बैड्स हेल्प इन पोलिनेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स मोर दैन वन थर्ड ऑफ ह्यूमन फूड क्रॉप्स डिपेंड ऑन पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड तो ह्यूमन फूड क्राप्स जो है उसका वन थर्ड डिपेंड करता है पोलिनेशन और डिस्पर्सल सीड पे और पोलिनेशन और डिस्पर्सल सीड का काम जो है वो ज़्यादातर एनिमल्स परफॉर्म करते हैं फॉर एग्जांपल बीज बटरफ्लाइज और बैट्स प्रोविजन ऑफ फूड एंड मेडिसन प्लांट्स आर सोर्स ऑफ फूड एंड मेडिसन एक बहुत बड़ी तादाद अद्वियात की और खुराक का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है वो प्लाट्स हैं